हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी एस सुपर टेक में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको तीन चार ऐसी ट्रिक बताएंगे बाउंड्री करने की, जिससे आप फॉलो करके अपने काम को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। दोस्तों अच्छा काम सबको पसंद होता है, तो आपका काम भी अच्छा हो इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहें कि किस प्रकार से आपको काम करना है, जिससे कि आपका काम एकदम परफेक्ट दिखे। इसमें हम दोस्तों आज आपको जिन्ने की जो पर्दी होती है बाउंड्री, उसको हम करना सिखाएंगे, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी में। काम अच्छा करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि बाउंड्री की ऊंचाई कितनी करें। बाउंड्री की ऊंचाई हमेशा दोस्तों आपको सिर्फ 3 फीट ऊंची बाउंड्री करनी है। 3 फीट से ऊपर बाउंड्री बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे दिक्कत आती है। जो लोग उम्र ज़्यादा हो जाती है जिनकी, ऊपर जब वे चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं तो वे दीवार को पकड़कर चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन अगर आप उसको ऊंची बाउंड्री कर देंगे तो उससे पकड़ अच्छी नहीं बनती ऊंचाई होने की वजह से। तो आप सिर्फ़ बाउंड्री को 3 फीट ऊंची ही करें, जिस प्रकार से हमने सामने आपको करके दिखा रखी है, जहां यह भी चिनाई कर रहा है। हमने इस बाउंड्री की ऊँचाई 3 फीट रखी है, इसी प्रकार से आपको 3 फीट ऊँचाई कर लेनी है अपनी बाउंड्री की। दोस्तों ये हम चौकी, जो हमारी जिन्ने की बीच की चौकी होती है, वहाँ पर चिनाई हमने की है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे बीच के जिन्ने की चौकी है, और यहाँ हमने यहाँ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 3 फुट की चौकी बनाई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसको नाप लेना है कि चौकी कितनी चौड़ी है। ऊपर एक निशान लगाएंगे, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से जितनी हमारी नीचे की चौकी है यहाँ निशान लगा लेना है आपको। ऐसे आपको नज़दीक से दिखा दें, हम यहाँ से नाप लेना है और आपको यहाँ निशान लगा लेना है इस प्रकार से, जितनी आपकी चौकी है। निशान लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे सूत बांध के रख देंगे, क्योंकि ये नीचे जिन्ने का जो हमारा चौकी है, ठीक है, ये यहाँ निशान लगाया था और निशान का जो आगे का हिस्सा है उस वहाँ पर सूत बांध दिया है। ये अगली कोर जो है ईंट की है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम, आप देख सकते हैं ये 3 फुट यहाँ पर है, ठीक है, जितनी ऊँचाई यहाँ है इतनी ऊंचाई की चिनाई आपको दोस्तों उधर ऊपर करनी है। पावा पावा आप पहले चिन लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको अब पहले ये 3 फीट का पाया बना लेना है। अभी हम आरजी तौर पे आपको दिखा रहे हैं, चिन नहीं रहे हैं, आपको इसकी चिनाई कर लेनी है पहले ही 3 फीट की ऊंचाई में। पावा चिनकर दोस्तों पावे की नाप आपको ज़रूर कर लेनी है। दोस्तों जब आपका पावा चिनकर तैयार हो जाए, उसके बाद आपको इस पावे पर भी सूत बांध लेना है, जिस प्रकार से हम बांध रहे हैं। दोस्तों पावा 9 इंची का है, लेकिन चिनाई हम 4 इंची करेंगे, इसलिए सूत को ईंट के 4 इंची के बीच में रखना है, जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चौकी की तरफ आना है, और जहाँ हमने निशान लगाया था और सूत बांधा था, ये भी आपको 4 इंची के बीच में रखना है। ये सूत नहीं वैसे बांधना जिस तरीके से हम चिनाई करते हैं, इसको बीच में बांधना है, जिससे कि हमारा टेपर बन जाए। टेपर बनाने के लिए हम इसको ईंट का जो बीच है उसमें रख रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको सूत बांध लेना है ऊपर पावे पे और नीचे भी। इसके बाद दोस्तों आपको चिनाई स्टार्ट करनी है। चिनाई स्टार्ट करने से पहले आपको ये गलती नहीं करनी है, सूत की जगह इस फट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सूत बांध के तभी चिनाई करनी है। बहुत से लोग फट्टी का इस्तेमाल करते हैं, फट्टी इस्तेमाल नहीं करनी, सूत की जगह। दोस्तों चलिए फटाफट चिनाई अपनी पूरी कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस हम अभी आपको आगे बताएंगे। जब तक ये चिनाई पूरी होती है आप देखें। दोस्तों चिनाई करते समय आपको जो यहाँ तरीका दिखाया जा रहा है, आप सिर्फ उसी तरीक़ों को अपनाएं, अलग तरीका ना चलाएं। आप अलग तरीका जो चलाते हैं वो करते हैं कि मसाला फैलाते हैं, ईंट टेकते हैं और तब जा कर के आप जो है उसको अलग से सूत पकड़ के देख लेते हैं। सूत पकड़ के नहीं देखना है, सूत को बांधना है और तब जाके इसकी चिनाई करनी है, जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। हमने सूत बांध रखा है और सूत में हम चिनाई कर रहे हैं। ईंट को आपको सूत से कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाने देना है, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें। अगर इन बातों का आप ख्याल रखेंगे चिनाई करते समय, सूत बांधेंगे और सूत से ऊपर ईंट नहीं जाने देंगे या नीचे नहीं जाने देंगे, तो आपकी चिनाई भी काफ़ी सुंदर दिखेगी। अभी आप जो आगे का टेपर ये देख रहे हैं,
ये स्मूथ की वजह से बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगा, यानी कि हमारी जो बाउंड्री है कहीं से ऊंची नीची नहीं होगी। जहाँ मैं सोल लगा रहा हूँ अभी, सूत बांध रहा हूँ, यहाँ पे धागा बंधा हुआ है टेपर में, सूत जिसको हम बोलते हैं, इस वजह से टेपर हमारा आ रहा है और परफेक्ट हमारा ये टेपर आएगा। आप इस वीडियो में जो तरीका देख रहे हैं, हम सूत बांध रहे हैं बार बार, आपको भी दोस्तों इसी प्रकार से सूत बांध कर ही चिनाई करनी है, ना कि सूत पकड़ कर या फट्टी का इस्तेमाल कर कर। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़े परफेक्ट तरीके से हमारा टेपर बनता जा रहा है। आपको पूरा टेपर इसी प्रकार बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा टेपर बिल्कुल परफेक्ट बनता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अपनी पूरी चिनाई कर लेंगे बाउंड्री की। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपनी पूरी चिनाई कंप्लीट कर ली है और कितना ही सुंदर हमारा जो है टेपर बना हुआ है। इसी प्रकार से आपका भी अच्छा टेपर बनेगा। और आप दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ की चिनाई कैसे करनी है। यहाँ की चिनाई देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 3 फुट के बाद टेपर नीचे की साइड बना हुआ है। इसको दोस्तों आप ज़रूर समझ लें। इसकी चिनाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये जिन्ने की जो चुंकी है इसको नाप लेना है। जितनी ये हमारी चुंकी है यहाँ से नापेंगे और इतनी चिनाई हमने यहाँ कर ली है। तो इस चिनाई को कैसे करना है, इसके लिए आपको चिनाई नहीं करनी। पहले एक हम बड़े वाली अपनी फंटी ले लेंगे और ऐसे इसको रख लेंगे, ऐसा रखेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, और इसको हम पीछे से ईंटों से दबा देंगे, क्योंकि हमारा कोना बना हुआ है पहले ही पीछे, हमने वहाँ इसको ईंटों से दबा दिया है। आपको भी ऐसी प्रकार दबा लेना है। अब करना क्या है, जितनी हमारी ये चुंकी है, ठीक है, आपको यहाँ पे नाप लेना है फंटी पे, और इस फंटी पर यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों के बाद आपको जहाँ निशान आता है वहाँ पे आपको ये सूत बांध देना है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों सूत में आपको फस्सा लगा लेना है, इससे आपका जो ये सूत है निशान पे से नहीं हटेगा, जो फंटी पे आपने निशान लगाया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जितनी हाइट हमारी इसकी बाउंड यहाँ 3 फुट ये बाउंड्री हाइट है, इतनी ही हाइट हम यहाँ नीचे करेंगे, यानी कि जिन्ना जहाँ से शुरुआत होती है यहाँ आप पहले ही चिनाई कर लेंगे 3 फुट की। ठीक है, आगे टक्कर पे जहाँ से जिन्ना स्टार्ट होता है वहाँ 3 फुट की चिनाई कर लेंगे हम हाइट में। हमारी ये चिनाई पहले ही हो रही है, इसलिए हमने यहाँ 3 फुट के जहाँ 3 फुट पैड़ी से आता है हमने निशान लगा लिया है, और ऐसे टेपर में यहाँ हम सूत बांध लेंगे। ये चिनाई का सूत नहीं है, ये सिर्फ टेपर का सूत है, और इसको भी हम 9 इंची के बीच में रखेंगे परे को। दोस्तों हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए चिनाई करते समय, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस तरह आपको टेपर का सूत बांध लेना है। हमने इसकी चिनाई कर दिया है, आप देख सकते हैं सूत बांधा हुआ है और हमने टेपर इसका बना लिया है। सूत बांधने के बाद आपको इसके अंदर अंदर चिनाई कर लेनी है, ये आपका टेपर इस प्रकार बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों हम इसकी चिनाई पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हमने आपको बताया है कि आपको इसकी चिनाई कैसे करनी है, और आपका इस प्रकार से टेपर बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये बाउंड्री है कितनी परफेक्ट तरीके से दिख रही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी की। दोस्तों अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करते हुए आप जिन्ने की पर्दी को करेंगे, तो आपकी पर्दी भी कुछ इसी प्रकार से बिल्कुल शाइनिंग के साथ दिखेगी, और अच्छा काम दिखेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे।